And what you and your colleagues have been showing us for years now is that human activities are changing the climate in dangerous ways. Exxon was doing research that you would expect universities to do. In fact, they partnered with universities and the government, because at that time, Exxon understood very quickly that if fossil fuel combustion was contributing to rising carbon dioxide in the atmosphere, and that was going to lead to increased temperatures down the road. Had Exxon continued in that role, there might not be such a cacophony of anti-climate arguments that are ongoing now, because there would have been somebody at the table who came from the side of fossil fuel use, who had been shown to be a leader in terms of the science, and this is their reasoned opinion as to what was going on. You think that burning fossil fuels is going to flood your cities? Well, there's going to be some national discussion about what to do about it. आज का वीडियो है एक्सॉन मोबिल के बारे में, जो कि यूएस ऑयल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है. इनफैक्ट ये इतनी पावरफुल है कि पूरी सरकार को हिला सकती है. इस कंपनी की फॉर्मेशन भी तभी हुई जब एक मोनोपोली को रोकने के लिए यूएस सरकार ने रॉकफेलर को उनकी कंपनी के 34 डिविजन्स करने पर मजबूर कर दिया. इस वीडियो की कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है. रॉकफेलर के स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के 34 डिविजन्स होने के बाद दो कंपनीज उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल इमर्ज हुई. एक थी एक्सॉन, जो कि एक डायरेक्ट डिसेंडेंट थी, और दूसरी थी मोबिल, जो कि एक्सॉन की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी. पर 1977 में एक्सॉन यूएस ऑयल की सबसे बड़ी कंपनी थी, और उन्होंने दूसरे बिजनेसेस जैसे वर्ड प्रोसेसर्स, फैक्स मशीन्स, एक्सॉन न्यूक्लियर, एक्सॉन सोलर, काफी कुछ एस्टैब्लिश कर लिया था. मतलब एनर्जी रिलेटेड सभी प्रोजेक्ट्स में वो घुसना चाहते थे. 1970s में नासा ने एक्सटेंसिवली अर्थ के आसपास काफी प्रोब्स और सैटेलाइट्स भेजे, जहां कई सारी फाइंडिंग्स मिली, जिसमें से एक थी ग्रीन हाउस गैस वार्निंग, यानी अर्थ से कार्बन एमिशंस बहुत ज्यादा होने लगा था, और इसका मेजर कॉज था फॉसिल फ्यूल्स. तब 1977 में एक्सॉन ने सोचा कि वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पे अपनी रिसर्च शुरू करें और देखें कि वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. उस टाइम कार्बन को बैलेंस करने में ओशंस का क्या रोल है, इसकी भी समझ नहीं थी. तो इसलिए साइंटिस्ट को हायर करके एक्सॉन ने अपनी R&D शुरू करी. इन फाइंडिंग से ये पता लगा कि धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वो भी काफी सिग्निफिकेंटली, और इससे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में बायोस्फेयर में काफी सारे ऑल्टरेशंस भी हो सकते हैं. पर एक्सॉन ने हमेशा क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक डिनायल स्टैंड रखा, ताकि उनका बिजनेस ना रुक जाए. पर 1980s से वो इसके खतरे के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे. 1982 में ऑयल प्राइसेस कम हुए तो उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ. तब उनके नए MD ली रेमंड ने उनके बाकी सभी डिविजन्स को खत्म कर दिया, क्योंकि उनका एक क्लियर विजन था कि एक्सॉन सिर्फ और सिर्फ एक फॉसिल फ्यूल कंपनी है. 1988 में US गवर्नमेंट इसके बारे में सोचने लगी और उसको पॉलिसी के अंडर लाने की कोशिश की. 1992 में US में इलेक्शंस हुए और बिल क्लिंटन को प्रेसिडेंट चुना गया. इस इलेक्शन को तब एक नया नाम भी दिया गया, द एनवायरमेंटल प्रेसिडेंसी. और फिर कार्बन एमिशन को कम करने के लिए उन्होंने एनर्जी कंपनीज पे टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए, जो कि प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ गए. इसका इफेक्ट इवेंचुअली कस्टमर्स को झेलना पड़ा, क्योंकि कंपनीज ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए. कंपनीज ने अब कॉस्ट को कट करने के लिए लेऑफ्स भी करने शुरू कर दिए, और एक हेवी लुक्रेटिव इंडस्ट्री से जब अच्छी सैलरी वाली जॉब्स जाने लगी, तो बिल क्लिंटन को अनफॉर्चुनेटली ये सारा क्लॉज वापस लेना पड़ा. वहीं ये सारी बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग एक्सॉन कुछ ऐसे साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को फंड कर रहे थे जो क्लाइमेट चेंज पे रिसर्च कर रहे थे, और उनके साइंटिस्ट लगातार क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते रहे. इसी बीच एक GCC ग्लोबल क्लाइमेट कोएलिशन बनाई जाती है, जहां हर एक कंपनी जो फॉसिल फ्यूल्स के साथ डील करती थी इसकी मेंबर बनी. उन्होंने कुछ साइंटिस्ट हायर किए जो मीडिया में लिखी हुई हर बात को एक बेसलेस रिसर्च के थ्रू काउंटर किया करते थे. बेसिकली अगर आप कोई बात लोगों को बार बार बोलो और दिखाते रहो, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सच बन जाती है. 1990 में पहली IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई, जिन्होंने गवर्नमेंट को एक सजेशन दिया कि उनको इंस्टीट्यूशंस की साइंटिफिक क्लेंजिंग करानी चाहिए. 1996 में ली रेमंड ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि लोगों को ऑयल और कोल इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है, और ये इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है. और 2005 अपनी रिटायरमेंट तक वो इस साइंस को क्वेश्चन करते रहे. UN ने 1995 में बर्लिन में 120 देशों को जोड़कर फॉसिल फ्यूल्स के यूज को कम करने के लिए बातचीत छेड़ी. बहुत लोगों को ये एक पॉलिटिकल गेम भी लगा, पर कई सारे लोगों को ये भी लगता था कि ऑयल इंडस्ट्री इससे आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि एक्सॉन जैसी कंपनीज उस टाइम लेफ्ट विंग और राइट विंग की कई सारी पार्टीज को फंड भी किया करती थी. पर सरकार से अब थोड़ी बहुत अनबन भी होने लगी थी. इंडस्ट्री ने सरकार को साफ मना कर दिया कि ग्लोबल वार्मिंग के नाम पे UN की किसी भी ट्रीटी को साइन ना किया जाए, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. 1997 में क्योटो जापान में एक ग्लोबल वार्मिंग समिट हुआ. 149 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट करके क्योटो प्रोटोकॉल नाम की डील साइन करी,
क्योंकि सभी को यही लगने लगा कि कुछ लोगों की पर्सनल बेनिफिट्स के लिए पूरी दुनिया के लोगों को खतरे में डालना ठीक नहीं। 1998 में एक्सॉन और मोबिल का मर्जर हो गया। ये उस टाइम का सबसे बड़ा मर्जर था इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। दोनों के कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ डिसएडवांटेजेस थे, और बिल पास होने के बाद ये मर्जर एक तरीके से इनेविटेबल हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री की हालत थोड़ी ख़राब थी और स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो इस मर्जर से 1,23,000 एम्प्लॉयज, 47,000 गैस स्टेशंस और $200 बिलियन से ऊपर का रेवेन्यू साथ जुड़ गया। साल 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए यही कैंपेन किया कि ग्लोबल वार्मिंग रियल है और उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट पूरे मेजर्स लेगी और वो भी उसे सपोर्ट करेंगे। पर इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया, ये कह के कि US में वो एनर्जी कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देगा। 2006 में डेविस गुगनहाइम और एल गोर की मूवी को ऑस्कर मिला। इस मूवी का नाम था द इनकन्वीनियंट ट्रुथ, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर बनी थी, जिसने इस चीज़ को और ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया। 2008 में ग्लोबल रिसेशन हिट हुआ, बहुत लोगों की जॉब्स गई, बिजनेस हिल गए और सरकार भी। US की सरकार इस सिचुएशन से उभरने के लिए कई सारे रास्ते ढूंढ रही थी। द ऑयल इंडस्ट्री, जो कि इतनी लुक्रेटिव थी और हर साल भारी टैक्सेस भर रही थी, एक इकलौती आशा की किरण थी। फिर कुछ सालों बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट बराक ओबामा ने एक नई तरकीब निकाली, नेचुरल गैस, क्योंकि उनकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी इसी के बेसिस पे हुई थी कि वो भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ स्टर्न स्टेप्स उठाएंगे। उन्होंने एक अल्टरनेट रास्ता अपनाकर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं डाला, और क्योंकि ऐसा नहीं डाला तो क्लाइमेट के लिए बुरा हो गया, और अगर डालते तो इकोनॉमी बर्बाद हो जाती। US एक तरीके से एनर्जी सुपर पावर्स भी बनना चाहती थी और क्लाइमेट लीडर्स भी, पर ये एक तरीके से इम्पॉसिबल है। ओबामा के टाइम पे फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री में एक नया बूम आया, जहां हजारों नए वेल्स डिस्कवर किए गए और एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई, जिससे ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट किया जाने लगा। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब शेल रॉक डिस्कवर हुआ। इन सभी पीसेस में मीथेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, और अगर हिसाब लगाया जा सके तो इसमें मल्टी ट्रिलियंस ऑफ क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस निकाला जा सकता है, और इन सभी रॉक्स को क्रैक करने पर एनर्जी पैदा होती है, और बहुत सारी वॉल स्ट्रीट कंपनीज ने भी इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। एक्सॉन ने यह देखकर एक फ्रैकिंग कंपनी XTO को $41 बिलियन में एक्वायर कर लिया, जिससे वो देश के सबसे बड़े नेचुरल गैस प्रोड्यूसर्स भी बन गए। पर इसका एक और पर्सपेक्टिव भी है, शेल रॉक्स मीथेन देता है, पर अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा डेंजरस है। मतलब अब कार्बन एमिशन को 50% कम कर दिया, पर उसकी जगह मीथेन एमिशन शुरू कर दिया। इंडस्ट्री ने तब इस चीज़ को ज़्यादा मॉनिटर नहीं किया, एक्चुअली वो करना भी नहीं चाहते थे। बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने पता लगाया कि मीथेन का लीकेज काफ़ी अलार्मिंग तरीके से हो रहा था, और हर एक इंस्टॉल किया हुआ डिवाइस मीथेन एमिट कर रहा था। 2012 तक US हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस भी बन गया। ओबामा ने तब इंट्रोड्यूस किया ओबामास क्लीन पावर, जिसमें मीथेन गैस के एमिशन पर रेगुलेशन होगी और 2030 तक 32% ऑफ कार्बन एमिशंस को रोक दिया जाएगा। कोल से मूव होकर विंड और सोलर एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। एक तरीके से ये फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री पर एक वॉर था, और ये एक अपॉर्चुनिटी थी रिपब्लिकन्स के लिए, जब उन्होंने इंडस्ट्री का सपोर्ट किया और कहा कि एक्चुअली एमिशंस काफ़ी कम हुए हैं, और ये लोग नेचुरल गैस को क्लाइमेट सोल्यूशन के नाम पे बेच रहे थे। विंड और सोलर अंडर ओबामास प्लान एक फाइनेंशियल बूस्ट दे रहा था, पर फॉसिल फ्यूल्स थोड़े कम एक्सपेंसिव थे, और ये पासा बिल्कुल उल्टा पड़ गया, क्योंकि टैक्सेस का एक बहुत हाई अमाउंट यानी $13 बिलियन इस तरफ डिवोट हो रहा था। और फिर ऑयल इंडस्ट्री ने भी कई सारे मीडिया चैनल्स और फर्म्स को फंड करना शुरू कर दिया कि वो इसके अगेंस्ट बोलें कि क्लीन पावर बहुत ज़्यादा नॉइजी है और डेंजरस है, पर इसके पीछे कभी कोई स्टडी नहीं होती थी। ओबामा प्रेसिडेंट होने के बावजूद इसको आगे नहीं बढ़ा पाए, और अपने टर्म के एंड तक अपने प्रोमिसेस भी नहीं पूरे कर पाए। और फिर US के 45th प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, और 2 महीने में उन्होंने ओबामा के क्लीन पावर एक्ट को अबॉलिश ही कर दिया। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स थे, जिससे ऑयल इंडस्ट्री फिर चमकी, और फिर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए। सोचिए बड़े बिजनेस को चलाने में किस तरीके से पॉलिटिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर सरकार चलाने में बिजनेसेस। अक्टूबर 2021 में US सेनेट में टॉप ऑयल एग्जीक्यूटिव्स की क्वेश्चनिंग हुई, जहां उनसे इंडस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में पूछा गया। एक्सॉन के CEO डैरन वुड्स ने तब अपने डिफेंस में ये कहा कि एक्सॉन मोबिल एनवायरमेंट का ख्याल रखते हैं, और उन्होंने काफ़ी सारी कार्बन एमिशन को कम करने वाली टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्ट किया है। पर फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री का ये कहना है कि एनर्जी सोर्स को चेंज करने में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, जहां कॉस्ट और रैपिडली इंक्रीज होंगे, क्योंकि 85% ऑफ ग्लोबल एनर्जी हाइड्रोकार्बन्स है। रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुए हैं। जो बाइडेन ने ऐसे में एक नेट जीरो का गोल अनाउंस किया है, जिसका मतलब ये है कि 2050 तक कार्बन एमिशंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। पर पर्सनली पूछा जाए तो ये गोल बहुत दूर लग रहा है, क्योंकि आज भी
हम फॉसिल फ्यूल एज में हैं। Hey guys, thank you so much for watching that video. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज hit the like, share and subscribe button down below. ऑयल इंडस्ट्री की इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम एक और बड़े प्लेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं. We'll see you there. Till then, take care. Goodbye.